गांव एक सच सड़क पर है चौकीदार, लेकिन घर घर में है कन्हैया कुमार। मैं कलाकार हूँ, मैं कलाकार हूँ, फिर भी यहाँ क्यों आया हूँ आप लोगों को समझना पड़ेगा। हो गया ना, हो गया, चलिए ऐसा हो जाइए, फ्री में बात करने दीजिए। आप लोग कहे लोग चाल तक कर रहे हैं, एक मिनट शांत हो जाना चाहिए। मैं आपसे बात करने आया हूँ, देखिए आपको ये सोचना पड़ेगा मैं क्यों यहाँ आया। मैं कलाकार हूँ, इस देश के मशहूर कलाकार, लेकिन कलाकार बनने से पहले मेरी एक गरीब माँ का बेटा था। मेरी माँ नर्स थी। मैंने आज अगर इतना बड़ा कलाकार हो चुका हूँ, अमीर हो चुका हूँ, सिर्फ मेरा प्रतिभा से नहीं, हर भाषा के हर धर्म के लोग मेरा फिल्में देखे हैं, और आप लोग फुकट में नहीं देखे, आपकी वक्त और पैसा देके देखे। 120 रुपया था मेरे पास, आज करोड़ों का पैसा है मेरे पास। अगर मेरी माँ को बुखार होती है, आज वो गरीब नहीं है, तीन तीन डॉक्टर आते हैं। मेरी बेटी विदेश में पढ़ के आई है, जब जिस समाज जिसके वजह से मेरा परिवार अच्छा है, जगह जिस समाज में समस्या है, वहां आतंक है, तो मैं सड़क पे उतरूंगा। उतरना ही चाहिए, इसीलिए आया हूं मैं। और कन्हैया कुमार के लिए क्यों आया हूं, मेरा क्या रिश्ता है कन्हैया कुमार से, मेरे क्या रिश्ता है आप लोगों से, इंसान की रिश्ता है। कन्हैया कुमार मुझसे छोटा है, लेकिन सोच में बड़ा है। गरीबों के बारे में, किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, उसमें जो दर्द है, उसके लिए आवाज उठाने का हिम्मत है, उससे रिश्ता है मुझे। मैं सब छोड़ के यहां आया हूं आपसे भीख मांगने के लिए कि कन्हैया कुमार सिर्फ बेगूसराय के नहीं, देश का आवाज है। सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी कन्हैया कुमार को जिताना है। इस संसद में वो आवाज आना चाहिए जो हमारे लिए धड़कता है, जो हमारे बारे में सोचता है और डरता नहीं है। आज कन्हैया कुमार का एक इलेक्शन चल रहा है, यहां पे 500 से ज्यादा इलेक्शन चल रहा है देश भर की। चौकीदार की सेना क्यों तड़प रही है, क्यों हिल रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, बहुत बड़ा चुनाव है। ये चुनाव सिर्फ दो लोगों के बीच में है, एक है सुपुत्र और दूसरा है कुपुत्र।
सुपुत्र जो है वो बेगूसराय की मिट्टी की खुशबू है, वो सुशिक्षित है, पढ़ा लिखा है। दूसरा कुपुत्र जो है वो कुटिल है, उसका बहुत कुटिल उपाय चल रहा है, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, आप ले लीजिए। हम आज एक बात याद रखना चाहिए, चुनाव में कौन जीतता है? नेता नहीं जीतता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जीतते हैं। अगर हम सही चुनते हैं तो हम जीतते हैं, अगर हम नहीं चुनते हैं तो हम हारते हैं। 5 साल पहले हार चुके हैं, इस बार जीत हमारे होगी, इस बार जीत हमारा होगा, किसानों का होगा, गरीबों का होगा, दलितों का होगा, युवा को होगा, हमारा भविष्य का होगा। सोचिए 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 आपकी भविष्य के बारे में। ये चुनाव कबड्डी मैच नहीं है, ये देश चलता है हमारा पैसे से, ये नेता बनते हैं हमारे वोट से। हमको हिसाब चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमारा किसानों को चैन चाहिए। वो सिर्फ एक आवाज से हो सकता है, वो है भविष्य की आवाज, हमें अखबार। और एक बार बोल रहा हूं, आज वो वक्त आ चुका है, वो सच सच होने वाला है। चौकीदार 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 बेगूसराय बहुत खुश हूं मैं। आखिरी एक बात बोलता हूं, इस चौकीदार के खिलाफ मैं भी बैंगलोर से लड़ रहा हूं, लेकिन मेरा मन की बात सुनिए, दिल की बात सुन लीजिए। अगर भगवान मेरे सामने आएगा और कहेगा प्रकाश आप भी खड़े हो रहे हैं और बेटा कन्हैया कुमार भी खड़ा हो रहा है, इन दोनों से मैं एक ही सीट दे सकता हूं, एक ही आदमी को संसद भेज सकता हूं, किसको भेजूं? Yeah.